हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज का हमारा टॉपिक है BMR, जिसे बोला जाता है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, या इसका एक और नाम है BPR, बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड। ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। बेसिकली इस पूरे डॉक्यूमेंटेशन में, खासकर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, यहां पर दो डिपार्टमेंट अपना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक होता है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा होता है हमारा क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट। ये दोनों डिपार्टमेंट मिलकर इस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करते हैं, जिसमें क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट का काम होता है इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना। तो चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि ये जो BMR होता है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, साथ ही साथ ये हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं BMR की। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि BMR होता क्या है और ये डॉक्यूमेंट क्यों होता, क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसका नाम क्या है, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, मतलब ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग का रिकॉर्ड होता है। यहां पर हमारी जो भी टेबलेट या जो भी प्रोडक्शन वर्क हो रहा है हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पूरा रिकॉर्ड होता है। मान लीजिए हमने कोई टेबलेट बनाई और उस टेबलेट की जितनी भी प्रोसेस हुई, मतलब उसमें किस टाइप से उसकी पूरा प्रोडक्शन से रिलेटेड जो जो फेजेस हुई, उनका सारा रिकॉर्ड उसके अंदर रखा जाता है। साथ ही साथ उसके जितने भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हुए, उनके जो भी रिजल्ट आए, वो भी उसके अंदर लगाए जाते हैं। अब होता ये क्यों जरूरी है, पहले मैं बता देता हूं। ये एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी ड्रग की, वो उसके अंदर इंक्लूड होती है। हर टेबलेट का या जो भी डोजेस फॉर्म आपने बनाया, उन सबका अलग अलग ये BMR बनता है। तो होता यह है कि कल को 2 साल बाद 3 साल बाद अगर कोई ऑडिट आता है और उस ऑडिट में वो बोलते हैं कि 3 साल, जैसे आज कोई ऑडिट आया और वो बोलते हैं कि 3 साल पहले ये जो टेबलेट थी और ये बेच नंबर था इस टेबलेट का, इसका आप रिकॉर्ड निकालिए, तो फिर वो ये BMR ही निकाला जाता है। और वो BMR को पढ़कर वो उस पूरे प्रोडक्शन के बारे में पता करते हैं, उसका पूरी क्वालिटी कंट्रोल रिजल्ट देखते हैं, सब देखते हैं। या एज एन एग्जांपल हम ये देख लें कि अगर कोई टेबलेट मार्केट में जाने के बाद कोई नेगेटिव इफेक्ट देती है, कोई एडवर्स इफेक्ट दे रही है, या कोई पेशेंट को कोई हार्म हो गया, तो BMR ही वो डॉक्यूमेंट होगा जिससे हम उस टेबलेट को क्रॉस चेक कर पाएंगे कि इस टेबलेट को जो है मार्केट के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो नेगेटिव इफेक्ट जो है टेबलेट दे रही है, इसका प्रोडक्शन कैसे हुआ था, इसके रिजल्ट क्या क्या थे। अगर हमको उनके रिजल्ट्स में कोई प्रॉब्लम दिख रही है या कहीं पर हमको कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है जो हमको क्वेश्चन रेज कर रहा है, तो फिर हम उस टेबलेट को वापस मार्केट से बुला सकते हैं और उसमें फिर हम कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। तो ये एक तरह का ये रिकॉर्ड ही होता है, ये BMR ही वो सबूत होता है जिसके बाद, मतलब एक बार टेबलेट मार्केट के अंदर चली गई और तो हमको, क्योंकि देखिए मार्केट में जब टेबलेट चली गई है तो अगर ये रिकॉर्ड हो ही ना तो होगा क्या, सब जगह सफाई हो गई, कंप्लीट हो गया काम। अब बाद में जब 2 साल बाद पता चला कि इस टेबलेट का रिकॉर्ड निकालो, तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो एक तरीके से ये उस टेबलेट का रिकॉर्ड होता है जो मार्केट में अभी गई है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड, उसका प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स हैं वो उसके अंदर लगाए जाते हैं। उसके अलावा उसके जो QC के अंदर जो रिजल्ट्स आए हैं, वो रिजल्ट भी इसके अंदर लगाए जाते हैं। मैंने जैसे स्टार्टिंग में जो वीडियो स्टार्ट हुआ था, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहां पर क्वालिटी अश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पर क्वालिटी अश्योरेंस का काम यही होता है कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है कि हमको इस टेबलेट का प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट ही उनको ये BMR प्रोवाइड कराता है पूरा सील साइन करके। मतलब ये पूरा कंट्रोल डॉक्यूमेंट होता है, सील साइन कंप्लीट करने के बाद क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट जो होता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो मैनेजर होते हैं उनको डॉक्यूमेंट हैंडओवर करता है। उसके बाद वो प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। जो जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर पूरी प्रोसेस होती है, मतलब आपको, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है बेसिकली 21 CFR, USFDA, CGMP गाइडलाइन को फॉलो करता है, तो उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट जो है वो डिजाइन किया गया है। इसके अंदर हमको जो जो इन्फॉर्मेशन भरनी है वो 21 CFR ने पहले से दे रखी है, या हम कह सकते हैं कि CGMP गाइडलाइन है, तो उसी के हिसाब से हमको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट जो कि QA डिपार्टमेंट हमको प्रोवाइड करा रहा है, इसके अंदर बस सारी इन्फॉर्मेशन पहले से लिखी हुई होती है, यहां तक कि प्रोडक्शन कैसे करना है टेबलेट का वो भी इसके अंदर लिखा हुआ होता है। आपको बस रिजल्ट भरते जाना है, हर प्रोसेस में जो जो रिजल्ट आता गया वो भरते जाना है। साथ ही साथ जो HPLC, DISO और उसके जो रिजल्ट QC आपको प्रोवाइड कराएगा, जो IP QC डिपार्टमेंट होगा, जो टाइम पे या हम कह सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट पे जो वो सैंपलिंग करेंगे और सैंपलिंग करके जो भी रिजल्ट आएंगे और वो बताएंगे कि हाँ टेबलेट अभी स्टेबल है, सही रिजल्ट आ रहे हैं, वो बिल्कुल प्योर है, तो उसके रिजल्ट भी हमको इस डॉक्यूमेंट के साथ
लगाते जाने हैं। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बताया कि बीएमआर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर किसी भी डोजेस फॉर्म की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई होती है। मैं कह सकता हूं कि पूरी हिस्ट्री, पूरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है कि वो कब बना, कैसे बना, उसका बेस नंबर, उसका वो कितना बना, कितनी क्वांटिटी में बना, उसके जो टेस्ट हुए उनके रिजल्ट्स क्या हुए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आगे डिस्कस भी करूंगा कि बीएमआर के अंदर हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है। बट उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्यूए डिपार्टमेंट जो होता है वो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराता है, जो बीएमआर होता है वो सील साइन कंप्लीट करके आपको डॉक्यूमेंट देता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करता है, सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर फिलअप करता है, टेस्टिंग के रिकॉर्ड्स भी लगाता है, सारे रिजल्ट भी लगाता है और फिर ये क्यूए डिपार्टमेंट को देता है। तो क्यूए डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने दिए और क्यूए डिपार्टमेंट ले लेगा, वो फिर उसको वेरीफाई भी करेगा कि जो रिजल्ट्स आपने लिखे हैं इसके अंदर वो सही है कि नहीं है, वो क्यूसी से भी वेरीफाई करवाएगा इसको और देन फिर वो बीएमआर को एक्सेप्ट करेगा और देन फिर टेबलेट मार्केट के अंदर जाएगी। तो यहां पर क्यूए और प्रोडक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे ज्यादा तो क्यूए का है क्योंकि क्यूए इसके ऊपर पूरी तरीके से इस पूरी प्रोसेस को मॉनिटर करता है और यहां पर जितने भी सील साइन होने वाले हैं वो पूरे क्यूए डिपार्टमेंट के होने वाले हैं। तो यहां पर पूरी जवाबदारी जो बनेगी वो क्यूए डिपार्टमेंट की बनेगी प्रोडक्शन से भी ज्यादा, क्योंकि क्यूए डिपार्टमेंट ही हर जगह हरी झंडी देगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यूए डिपार्टमेंट जो होता है वो बीएमआर का जो डॉक्यूमेंट होता है वो कंट्रोल डॉक्यूमेंट जो सील साइन करके प्रोडक्शन को देता है, उससे पहले भी क्यूए के कुछ काम होते हैं, उसी के बाद वो बीएमआर उनको प्रोवाइड कराता है और प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो क्यूए डिपार्टमेंट ये क्लियर करता है कि अगर आप प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हो तो आपको पहले पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वो कौन सी ड्रग्ड है, कितनी क्वांटिटी में आप ये टेबलेट बनाओगे, उसका बेस नंबर क्या होगा, पूरी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। दूसरी चीज ये कि क्यूए जो होगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसके ऑफिसर्स जाएंगे और वो पूरा क्रॉस चेक करेंगे कि वहां पर पूरी क्लीनिंग हो गई है कि नहीं हो गई है, वहां पर जो इंस्ट्रूमेंट अभी यूज होने वाले हैं, जो बड़े बड़े लार्ज इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं, वो ड्राइंग हो, मिक्सर हो, कोटिंग मशीन हो, कंप्रेशन मशीन हो, वो पूरी क्लियर है कि नहीं है, पूरा उनका सफाई हुई है कि नहीं हुई है, वो सिस्टमेटिक वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको क्लियर करेगा। उसके बाद जब वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद जो हमारा क्यूए डिपार्टमेंट होगा वो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बीएमआर प्रोवाइड कराता है। यहां पर बीएमआर जब वो प्रोवाइड कराता है तो हर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीएमआर के अंदर टेबलेट के प्रोडक्शन का पूरा प्रोसीजर भी लिखा हुआ होता है, पूरी एसओपी भी लिखी होती है, तो वो उस हिसाब से उनको बीएमआर प्रोवाइड कराता है कि कौन सी टेबलेट का चाहिए, उसका बेस नंबर क्या होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ क्या, किस स्ट्रेंथ के आप टेबलेट बना, मतलब उसके हिसाब से वो बीएमआर उनको प्रोवाइड कराएगा। ऐसा नहीं कि सभी का बीएमआर एक जैसा होता है, ऐसा नहीं होता है, टेबलेट के हिसाब से और उसके बेस नंबर के हिसाब से, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से ही बीएमआर होता है। तो फिर वो उसका बीएमआर का प्रिंटआउट निकालवाएगा, उसको सील साइन कराएगा, देन वो फिर उनके मैनेजर को, प्रोडक्शन का जो मैनेजर है उनको वो बीएमआर प्रोवाइड कराएगा। अब हम ये समझते हैं कि ये जो बीएमआर होता है, जिसे बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड कहा जाता है या बैच प्रोजेक्ट प्रोडक्शन रिकॉर्ड कहा जाता है, इसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमको डालनी पड़ती है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल और इजी वे में हम ये समझते हैं कि बीएमआर के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन रखी जाती है और डाली जाती है, मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर पूरी टेबलेट की जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है, जो उसका प्रोडक्शन हुआ है, उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी जाती है। उसमें क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये कि टेबलेट कौन सी है, हम कौन सा प्रोडक्शन, कौन सा डोजेस फॉर्म बना रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका कितना, कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, उसकी बेस नंबर, उसकी स्ट्रेंथ, साथ ही साथ उसकी परसेंटेज यील्ड, जो फाइनल जो हमको मिलेगी, जब हमने पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया तो एक टन बनाना था तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या बना, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, के बनाना एक टन था या कह सकते हैं 10 लाख टेबलेट बनानी थी और बनी कितनी, ठीक है, तो वो उसका फाइनल यील्ड जो होता है वो लिखना पड़ता है। एपीआई के केस में यील्ड आएगा, प्रोडक्शन के केस में टेबलेट्स के हिसाब से हमको लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि जो पर्सन इसमें प्रोडक्शन करेंगे, मतलब प्रोडक्शन के जो पर्सन होंगे, जो क्यूए के प्रोडक्शन ऑफिसर्स होंगे या मैनेजर होंगे, उनके सील साइन डेट लगे लिखी जाएगी इसके अंदर। उसके अलावा आपको यहाँ पर जो सैम्पलिंग होगी, मतलब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि जब प्रोडक्शन कंटिन्यू होगा तो यहाँ पर IPQC डिपार्टमेंट, जिसे बोला जाता है इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये समय समय पर सैम्पलिंग करता रहेगा और टेस्ट लगाता रहेगा और ये चेक करता रहेगा कि जो पूरी प्रोसेस चल रही है, ये जो प्रोडक्शन की प्रोसेस चल रही है, यहाँ पर हमारी टेबलेट जो है वो प्योर है कि नहीं है, स्टेबल बनी हुई है कि नहीं है। एक चीज और कि यहाँ पर जो सैम्पलिंग की जाएगी वो टाइम जो है वो R&D डिपार्टमेंट बताता है कि आपको कहाँ पर क्रिटिकल ऐसी कौन सा पॉइंट है जहाँ पर हमारी टेबलेट फेल हो सकती है, इम्प्यूरिटी हमारी ड्रग के अंदर इंटर हो सकती है, तो उसे बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। तो वहीं पर ये सैंपल विड्रॉ किए जाएंगे IPQC के द्वारा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट होता है, उसी के अंदर
या बेसिकली आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट क्यूसी के अंदर नहीं आता है, ये आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट जो है वो क्यूए के अंदर आता है। तो ये क्यूए के डिपार्टमेंट होता है आईपीक्यूसी, जो प्रोसेस के बीच बीच में से सैंपल निकालता जाएगा और टेस्टिंग करके प्रोडक्शन को ये बताएगा कि आपकी ड्रग स्टेबल बनी हुई है और आप अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, इनका काम यह होता है कि जब टेबलेट कंप्लीट हो जाती है, फिनिश हो जाती है, तो फिर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास सैंपल जाता है और वहां पर वो ये बताते हैं टेस्टिंग लगा के कि आपने जो टेबलेट बनाई है वो जब अब मतलब एंड हो गया है, वो फिर क्यूसी में जाएगा सैंपल। ठीक है, मतलब टेबलेट बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है तो फिर वो सैंपल क्यूसी के अंदर जाएगा और क्यूसी ये बताएगा कि आपकी टेबलेट स्टेबल है, प्योर है और आप इसको मार्केट में रिलीज कर सकते हैं। तो आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट का काम क्लियर हो गया, क्यूसी डिपार्टमेंट का काम क्लियर हो गया। एक चीज और भी इन्फॉर्मेशन हमको इसके अंदर लिखनी पड़ती है कि हमको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज हो रहे हैं, मतलब चाहे वो मिक्सर्स हो, ड्रायर्स हो, आपका कंप्रेशन मशीन हो, कोटिंग मशीन हो, उसके बारे में आपको पैकेजिंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है। उसके अलावा अगर आपकी ड्रग में कोई इंसिडेंस हो रहा है, कोई डेविएशन हो रहा है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, उनके सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपने क्या एक्शन लिया, तो वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी इसके अंदर होता है। उसके अलावा जो टेबलेट अभी हमारी जो फाइनल टेबलेट होगी, मतलब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तो उसका जो लेबल होगा उसकी भी एक कॉपी जो होगी वो इस बीएमआर के अंदर लगेगी। जो हम लेबल हमारी पैकेजिंग के अंदर लगा रहे हैं, फाइनल लेबल, चाहे वो बॉटल हो या स्ट्रिप हो, तो वो जो उसका लेबल होगा वो भी इसके अंदर लगेगा। उसके बाद जब ये पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा और ये बीएमआर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जो बीएमआर होगा वो फिर जाएगा क्यूए डिपार्टमेंट के पास। क्यूए डिपार्टमेंट यहां पर दो रिपोर्ट्स को वेरीफाई करेगा, एक रिपोर्ट तो वो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने दी है वो, और एक रिपोर्ट वो जो कि क्यूसी डिपार्टमेंट और आईपीक्यूसी डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट्स दी है, जो एनालिसिस किया है उसको, उनको वो पूरी तरीके से कंपेयर करेगा। उसमें अगर उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो सिस्टमेटिक सही तरीके से हुआ है, तो यहाँ पर हमारी जो टेबलेट है वो मार्केट के लिए रिलीज हो जाएगी। बट अगर हमारे क्यूए डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट आने चाहिए थे, चाहे वो क्यूसी के हो और प्रोडक्शन के हो, वो सही नहीं आए हैं, तो यहाँ पर फिर वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करता है और वो ये चेक करता है कि अगर जो भी रिजल्ट आ रहे थे वो सही नहीं आए हैं तो किस वजह से आए हैं, उसके ऊपर क्यूए डिपार्टमेंट एक प्रॉपर एक्शन लेता है। साथ ही साथ उसी टेबलेट, मतलब वो जो डोजेस फॉर्म है जो अभी बन रहा है, जिसकी बीएमआर के अंदर प्रॉब्लम आई है और वहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और उसकी जो फर्दर बैचेस है, मतलब जो इसके बाद जो बैचेस बनेंगी उनमें भी फिर वो इन्वेस्टिगेशन करता है। मतलब क्यूए डिपार्टमेंट जो बाद में जो मतलब इसके बाद जो टेबलेट बनेगी उनमें भी वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है, और इसका इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रहा है, तो उस इन्वेस्टिगेशन में वो जो भी एक्शन लेगा उसके भी डॉक्यूमेंटेशन करके उस बीएमआर के अंदर लगाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है, जो मैंने आपको बताई, ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक बीएमआर के अंदर रहती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये उस टेबलेट या उस डोजेस फॉर्म का पूरी एक जन्म कुंडली रहती है, एक उसकी पूरी हिस्ट्री और उसका रिकॉर्ड रहता है। तो ये था बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड की एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन, एक बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या आप अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या क्यूए डिपार्टमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यहां पर जो बीएमआर होता है या बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड की जो एक प्रोसेस होती है, वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्यूए डिपार्टमेंट जो होता है वो आपको रिकॉर्ड या जो डॉक्यूमेंट होता है ये सील साइन कंट्रोल करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है। दूसरी प्रोसेस में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करता है और उस डॉक्यूमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन डालता है। और तीसरी प्रोसेस के अंदर आपका जो क्यूए डिपार्टमेंट होता है वो ये जो बीएमआर जो कि प्रोडक्शन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है पूरा फिलअप करके कंप्लीट करके उसको फिर क्यूए डिपार्टमेंट रिव्यू करता है। तो इन तीन फेसेस के अंदर ये बीएमआर डॉक्यूमेंट जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो आने वाला जो हमारा अगले वीडियो होंगे उसके अंदर हम अभी इस जो हमारी जो ये चल रहा है बीएमआर के बारे में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो टॉपिक है ये अभी और कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इसको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में और बहुत डीपली समझना चाहते हैं, तो मेरा अगले पार्ट के अंदर जो अगले पार्ट्स होंगे उसके अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि जब क्यूए डिपार्टमेंट जो फर्स्ट प्रोसेस होती है, जब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो क्यूए डिपार्टमेंट क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करता है और क्या क्या पॉइंट्स चेक करता है, उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाता है। वहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बीएमआर के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन को फिलअप करता है और वो क्या क्या चीजों का ध्यान रखता है और वहां पर क्या प्रोसेस होती है। साथ ही साथ जो थर्ड पार्ट होगा उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जब ये डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा क्यूए डिपार्टमेंट को सबमिट किया जाता है तो क्यूए डिपार्टमेंट कैसे रिव्यू करता है, रिव्यू की क्या प्रोसेस होती है, और ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो कि बीएमआर के अंदर बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होते हैं और जिनके बिना ये बीएमआर अधूरा होता है, और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको क्या एक्शन लेना है, इसके ऊपर हम सिस्टमेटिक डीपली डिस्कशन करेंगे। तो अभी हमारी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी जिसके अंदर हम बीएमआर के बारे में बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं
तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।